नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कुंडली के प्रथम भाव के बारे में, यानी लग्न के बारे में। तो आपका जो लग्न है, लग्न आपके बारे में क्या कहता है, आपका लग्न क्या है, लग्न कैसे निर्धारित होता है। तो आपके जन्म के समय जो राशि या जो जोडियक साइन पूर्वी क्षितिज पर जो उदय हो रहा था, वही आपका लग्न बनता है, वही आपकी लग्न राशि है, जो जो आपका जोडियक साइन है, जो एसेंडेंट जो लॉर्ड है, वो उसी राशि का बनता है। तो अगर मान लीजिए आपका जब जन्म हो रहा था तो पूर्वी क्षितिज पर मान लीजिए 10 नंबर यानी मकर राशि उदित हो रही थी, तो वो आपका लग्न बन जाएगा। अब आपका लग्न का लॉर्ड उस समय कहाँ गोचर कर रहा था, वो उस भाव में आपके आ जाएगा उसी टाइम। तो आपको इसमें जो जन्म का समय है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, और जन्म का स्थान, उस पर्टिकुलर स्थान पे जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, उस स्थान के अकॉर्डिंग आपका लग्नेश कहाँ गोचर कर रहा था, कौन सी राशि में, कौन से भाव में गोचर कर रहा था, तो वो आपके जन्म के समय आता है। अब यहाँ पे फर्स्ट हाउस क्या बताता है, फर्स्ट हाउस को हम तनु भाव भी कहते हैं। सबसे पहले ये इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा रहेगा, आगे पूरा वीडियो देखिए, और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फर्स्ट हाउस से कौन कौन से प्रोफेशन को हम देख सकते हैं, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए फर्स्ट हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस आपकी सेल्फ इमेज है। तो ऐसे प्रोफेशन जहां पे आपकी सेल्फ इमेज, आपका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपका लुक बहुत ज्यादा मैटर करता है, ऐसे प्रोफेशन में आपको निश्चित रूप से जाना है, यानी ऐसे प्रोफेशन को फर्स्ट हाउस दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपका लग्नेश भी जिस भाव में बैठा होगा उस भाव पर आपका लाइफ फोकस रहेगा, और लाइफ में आप उस पर्टिकुलर हाउस के प्रति लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस रहेंगे, या उससे रिलेटेड कोई ना कोई काम आप अवश्य लाइफ में करेंगे। तो हम फर्स्ट हाउस के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस से कौन कौन से प्रोफेशन आप देखे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोफेशन है वो है राजनीति। राजनीति यानी पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनका फर्स्ट हाउस काफी स्ट्रांग हो सकता है, या फर्स्ट हाउस में सूर्य जैसा ग्रह बैठा होगा, या लग्नेश फर्स्ट हाउस में ही बैठा होगा, या लग्नेश फर्स्ट हाउस को कहीं से देख रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो फर्स्ट हाउस से हम जो भी हमारे जो चारों ओर जो राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको देखते हैं, क्योंकि राजनीति में आपकी सेल्फ इमेज, आपकी सेल्फ पर्सनैलिटी वो काफी मैटर करती है, आपका जो इंटेलेक्ट है, आपका माइंड है, वो काफी मैटर करता है, आपकी ओवरऑल जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो काफी मैटर करता है। इसके अलावा जो भी बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, या जो बहुत बड़े धार्मिक गुरु हैं, या जो बहुत उच्च सरकारी पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं हमारे सरकारी विभागों में, उनको भी हम फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस से हम उन प्रोफेशन को ही देख सकते हैं जहां पर हमें कुछ ना कुछ अपनी पर्सनैलिटी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना होता है। इसके अलावा जितने भी बड़े गुरु हैं, अब वो गुरु किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, जो ट्रेनर हैं, बहुत बड़े जो ट्रेनर हैं, जो गाइड हैं बहुत बड़े, उनको हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन जो भी हैं, उनको हम फर्स्ट हाउस से ही विचार कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस से वो आपकी फिजिकल बॉडी को दिखाता है, और हमें स्पोर्ट्स वगैरह में फिजिकल बॉडी, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर, उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, तब जाकर आप अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। अगर आपकी फिजिकल बॉडी काफी अच्छी है, बहुत एक्टिव है, और आप समय समय पर फिजिकल एक्सरसाइजेस लेते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, तो वो वहां पे आपके लिए काफी मैटर करेगा। इसी वजह से फर्स्ट हाउस से हम स्पोर्ट्स का करियर देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हाउस की, तो फर्स्ट हाउस ये दिखाता है कि आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है, आपका टेम्परामेंट क्या है, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, आप कितने हेल्दी हैं, आपकी बॉडी जो पूरी बॉडी है आपकी सर से लेकर के और पैरों तक, उस बॉडी में ताकत कितनी है, पावर आप में कितनी है, आपका जो थिंकिंग का नजरिया है यानी जो सोचने का तरीका है, जो आपका नजरिया है वो कैसा है। और कहीं ना कहीं जो फर्स्ट हाउस है वो काफी इम्पोर्टेंट हाउस है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है केंद्र भाव में, 1, 4, 7, 10
जो भाव हैं उनमें केंद्र भाव ये माने जाते हैं और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट हाउस है। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट हाउस है उस वो बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारी लाइफ में। और कुछ लोग ये बोलते हैं अगर आपका लग्नेश या फर्स्ट हाउस स्ट्रांग है तो वहीं पर आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है अगर आपका लगन मजबूत है या आपका लग्नेश मजबूत स्थिति में है, लगन से संबंध बना रहा है, यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं अगर लगन काफी स्ट्रांग है, प्रथम भाव काफी अच्छा है कुंडली में, तो आपके लिए जो भी समस्याएं आपकी लाइफ में आएंगी उनको आप अच्छी तरह से निपटा देंगे और वो आपके लिए किसी भी प्रकार से आपके माइंड में नेगेटिव फीलिंग नहीं लेकर आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट हाउस से हम कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस भी देख सकते हैं, हमारा जो लेवल है सोचने का तरीका है, हमारा स्टैंडर्ड है थिंकिंग का वो कैसा है। तो फर्स्ट हाउस हमें ये बताता है कि हम कौन हैं, हमारी फिजिकल बॉडी कैसी है, हम दुबले पतले हैं या फिर बहुत मोटे हैं, इसके अलावा हमारी जो ताकत है पावर है वो कितनी है, आपका रंग कैसा है बॉडी का और आपका टेम्परामेंट क्या है, यानी आप किस प्रकार से दुनिया को देखते हैं, आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं और लोग आपको किस प्रकार से देखते हैं। तो फर्स्ट हाउस काफी इम्पोर्टेंट है और कुंडली का सबसे पहला भाव है। तो फर्स्ट हाउस को हम ये कह सकते हैं कि लाइफ की जो शुरुआत है, बिगिनिंग ऑफ लाइफ, वो फर्स्ट हाउस से ही देखी जाती है, क्योंकि हम यहाँ पर जब जीवन की शुरुआत होती है सबसे पहले तो यही हाउस आता है। जब हम जन्म लेते हैं तो वहां वो जो कंडीशन होती है हमारे जन्म के समय उसमें इसी हाउस का विचार किया जाता है। तो फर्स्ट हाउस आपका खुद का है, आपका सेल्फ का है और फर्स्ट हाउस काफी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट हाउस को देखे बिना हम ओवरऑल जो प्रेडिक्शन है कुंडली की वो नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हाउस का जो इम्पोर्टेंस है हमारी कुंडली में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और फर्स्ट हाउस का कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग है या फर्स्ट हाउस का इम्पोर्टेंस आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा बन रहा है ग्रहों के प्रभावों के द्वारा, तो आप बहुत फेमस हो सकते हैं। अगर लग्नेश आपका लग्न में ही हो या फिर लग्न से किसी भी प्रकार से दृष्टि संबंध बना रहा हो, अच्छे भाव में बैठा हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, तो आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं खत्म हो जाती हैं। आपके सामने जो भी समस्याएं लाइफ में आएंगी वो उनको आप बहुत अच्छे से झेल लेंगे। बाहर थोड़ी बारिश हो रही तो शायद आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, बट मुझे लगता है कि आवाज बिल्कुल आप सुन पा रहे हैं, थोड़ी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए फर्स्ट हाउस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही आप सब कुछ शुरू करते हैं अपनी कुंडली का और कुंडली की जो शुरुआत है वो भी यहीं से होती है। अब एक अंतर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे हम बोलते हैं राशि, तो राशि का मैटर ये है कि आपका जो लग्न चार्ट है, यानी लग्न चार्ट जैसे आपका जो कालपुरुष का लग्न है वो एक से शुरू हो रहा है तो उसके लॉर्ड मंगल हैं, तो आपका जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से अगर चार्ट शुरू हो तो आपका मेष लग्न है। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है आपके इस लग्न चार्ट में? चंद्रमा मान लीजिए आपका बैठा है 10th हाउस में और मकर राशि में बैठा है। अगर 10th हाउस में बैठा है तो मकर राशि में हो गया, तो आपकी राशि कौन सी हो गई? मकर राशि हो गई। और आपका जो लग्न हो गया वो क्या होगा? एक नंबर लिखा है फर्स्ट हाउस में तो आपका लग्न हो गया मेष। तो इस प्रकार से यहाँ पर लग्न और जो राशि है वो भी निर्धारित हो जाती है और फर्स्ट हाउस तो काफी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जहां बैठेगा, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव पर आपका फोकस आपकी पूरी लाइफ में ज्यादा रहेगा। अगर लग्नेश का संबंध आपके अच्छे भाव से है, अगर 6, 8, 12 से नहीं है तो ये मान लीजिए कि आपकी लाइफ ओवरऑल काफी अच्छी बीतने वाली है। अगर फिर भी आपका लग्नेश है वो 6, 8, 12 में बैठा है तो भी उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पर आपको ये देखना होगा कि जो क्रूर ग्रहों की दृष्टियां हैं वो लग्नेश पर नहीं पड़ रही हो और लग्नेश आपका पीड़ित नहीं हो, यानी फर्स्ट हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह ना हो और लग्नेश भी आपका पीड़ित ना हो। और अगर आपके लग्न में प्रथम भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो आप प्रत्येक कार्य को बहुत जल्दी से कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आप काफी सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो लग्नेश है आपका, लग्नेश अगर आपका लग्न में ही बैठा है या लग्न से संबंध बना रहे तो ऐसे जातकों का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। ये किसी दूसरे व्यक्ति की बात को फॉलो जल्दी से नहीं कर पाते और ये अपनी एक राय रखते हैं हर मामले में और कहीं ना कहीं ये अपने डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं, ये क्विक डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं।
और इनके दिमाग में सब कुछ हमेशा चलता ही रहता है। अगर इनको किसी भी ऐसी कंडीशन जहां पे इनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और क्विक डिसीजन लेना हो, वहां ये बहुत जल्दी डिसीजन करते हैं। और आपने देखा होगा कुछ लोग जो अपने डीपी चेंज करते रहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप की डीपी हो, चाहे वो फेसबुक की हो, या किसी भी सोशल मीडिया से संबंधित आपकी फोटो हो, तो उसको वो चेंज करते रहते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपकी कुंडली में लग्नेश स्ट्रांग ना हो, लग्नेश आपका क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो या 6-8-12 में बैठा हो। अगर आपका लग्नेश या आपका प्रथम भाव काफी स्ट्रांग होगा तो आप जब एक बार कोई भी डिसीजन ले लेंगे उसको बहुत जल्दी से बदलेंगे नहीं। इसके साथ ही अगर आपका लग्नेश या लग्न आपका बली है तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। कोई थोड़ी बहुत बीमारियों को छोड़कर आप अपनी पूरी लाइफ में अच्छे से स्वास्थ्य का सुख भोगेंगे और आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा अगर लग्नेश स्ट्रांग है तो जातक किसी के भी सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने आप को वो प्रदर्शित कर सकता है। ऐसा जातक काफी कॉन्फिडेंस वाला होता है और ये किसी के सामने भी झुकना पसंद नहीं करते। और लग्नेश अगर स्ट्रांग है, लगन में ही बैठा है या लगन से संबंध बना रहा है, तो ऐसे जातक काफी जिद्दी प्रवृत्ति वाले भी होते हैं और ये बहुत अच्छा फैसला लेते हैं, लेकिन सोच समझ कर लेते हैं और इनको नॉलेज काफी होता है। ये किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थिति में बिल्कुल भी घबराते नहीं है और अपना जो डिसीजन है वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसे जातकों को आप किसी भी फील्ड में ले जाइए, वहां पर ये आपको सक्सेसफुल होके दिखा देंगे। ऐसे जातक मेहनती काफी होते हैं और ये अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ प्राप्त करते हैं लाइफ में। अगर लग्नेश का संबंध आपके सेकंड हाउस से बन रहा हो, सेकंड हाउस में अगर लग्नेश बैठा हो, अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो आपका जो रहेगा पूरा ध्यान वो फैमिली की तरफ रहेगा, आपकी फैमिली वैल्यूज को बढ़ाने में रहेगा, धन कमाने में, धन सेविंग करने में, इन सब में रहेगा आपका ध्यान, अच्छा भोजन करने पे रहेगा और कहीं ना कहीं आपका जो वाणी है, आपकी वाणी है वो काफी अच्छी होगी। अगर सेकेंड हाउस में शुभ ग्रह का प्रभाव है, शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव है, तो आपका फेस काफी सुंदर होगा। अगर मान लीजिए आपका लग्नेश थर्ड हाउस में बैठा है तो आपकी लाइफ में शॉर्ट ट्रेवलिंग होती ही रहेगी, इवन आपकी लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेवल भी होगी और आपको घूमना फिरना काफी पसंद होगा और आपका जॉब भी कुछ ऐसा ही हो सकता है जहां पर आपको बार बार इधर उधर जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, एक स्थान पर आप ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते। तो प्रथम भाव वो काफी इम्पोर्टेंट है और प्रथम भाव का जो लॉर्ड है उसकी प्लेसमेंट भी काफी इम्पोर्टेंट रोल आपकी कुंडली में अदा करती है। इसके अलावा देखिए, अगर लग्नेश थर्ड हाउस में बैठा है तो आपके भाई बहनों के साथ आपका रिलेशन अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं हो सकता है आप कम्युनिकेशन के फील्ड से या अपने विचारों को शेयर करने से बहुत ज्यादा लाइफ में जुड़े हों, या आप कोई पब्लिशर हो सकते हैं या आप एक बहुत ही अच्छे एंकर हो सकते हैं। इसके अलावा लग्नेश का संबंध अगर फोर्थ हाउस से बन रहा हो, अगर लग्नेश फोर्थ हाउस में बैठा हो, तो आपका पूरी लाइफ में ध्यान सुख पर रहेगा, सुख प्राप्ति पर रहेगा। अगर फोर्थ हाउस पीड़ित नहीं है और लग्नेश भी पीड़ित नहीं, तो आपको घर का सुख बहुत जल्दी मिलेगा लाइफ में, वाहन भी अच्छा होगा, माताजी का सुख अच्छा मिलेगा, माताजी के साथ आपका जो रिलेशन है वो काफी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लग्नेश जिस भी भाव में आपका बैठेगा उस भाव से संबंधित काम आप ज्यादातर अपनी लाइफ में करते ही रहेंगे और उस पर्टिकुलर हाउस का प्रभाव आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रहेगा। अगर लग्नेश आपका पंचम में बैठा है तो आपको आपकी शिक्षा अच्छी होगी, आपकी संतान अच्छी होगी, लेकिन यहाँ कोई क्रूर ग्रह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप में कोई ना कोई क्रिएटिविटी होगी और आप अपनी क्रिएटिविटी के दम पर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहेंगे, आप नेम फेम पाना चाहेंगे, तो आप निश्चित रूप से क्रिएटिव होंगे और कहीं ना कहीं आप अपने हर डिसीजन में अपना माइंड मेंटल एबिलिटी को काफी ज्यादा यूज करेंगे। तो कुल मिलाकर जो फर्स्ट हाउस है वो काफी इम्पोर्टेंस रखता है और हमारा जो लग्नेश है, लग्नेश की जो प्लेसमेंट है अलग अलग हाउसेज में वो भी काफी इम्पोर्टेंस रखती है। इसके अलावा अगर लग्नेश सिक्स्थ हाउस में बैठा हो तो आपको बार बार कोई हेल्थ का इश्यू हो सकता है, आपके बहुत सारे शत्रु हो सकते हैं, लेकिन अगर सिक्स्थ हाउस में लग्नेश अगर बली हुआ, शुभ ग्रहों से दृष्ट हुआ, तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, फिर भी आपको थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू रह सकता है। आपका जो ज्यादातर जो लाइफ में समय बीतेगा वो कंपटीशन को फेस करने में बीतेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप जो है दो चार होते ही रहेंगे। इसके अलावा आप
कहीं से ऋण लेंगे, ऋण को चुका नहीं पाएंगे अगर आपका लग्नेश सिक्स्थ में स्ट्रांग नहीं है तो व्यक्ति कर्जा भी निश्चित रूप से लेता है और समय पर कर्ज को चुका नहीं पाता। ऐसी कंडीशन में जब आपका लग्नेश सिक्स्थ हाउस में बैठा होता है तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहता है, कंपिटेटर्स आपके बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अंततः आप सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर आपका जो है सिक्स्थ हाउस में लग्नेश बलि अवस्था में हो। अब देखिए, अगर लग्नेश आपका सप्तम में बैठा हो तो आपको कोई पब्लिक सर्विस करनी है, जनता की कोई सेवा करनी है। अब वो ग्रह कैसा बैठा उसके हिसाब से देखा जाएगा। अगर सूर्य बैठा है आपका लग्नेश होके सप्तम में तो आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, आपका जो सार्वजनिक जो पब्लिक सेवा है, जनता की सेवा है, चाहे वो एक बड़ा अधिकारी बन के हो या आप राजनीति में जाएं किसी भी प्रकार से, तो उसका आपको ध्यान रहेगा और आपका मकसद पब्लिक की सेवा करना रहेगा। सप्तम भाव में अगर लग्नेश बैठता है तो यहाँ पर आपका पूरा फोकस अपने बिजनेस पर भी रहेगा, अपने लाइफ पार्टनर पर भी रहेगा और आप थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर के और ज्यादा झुके हुए रहेंगे और उनके प्रति आप अपना सब कुछ त्यागने के लिए भी तैयार रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर मान लीजिए लग्नेश आपका अष्टम भाव में बैठा है तो लाइफ में स्ट्रगल काफी रहता है, एक्सीडेंट होना, मानसिक रूप से परेशानी होना, अन्य कई प्रकार की समस्याएं अष्टम भाव में लग्नेश के बैठने से आती हैं। लेकिन अष्टम का जो लग्नेश है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एक तरह से ऐसे व्यक्तित्व का बना देता है जिसको लोग बहुत जल्दी समझ नहीं पाते। आप काफी साइंटिफिक होंगे, आप बहुत मिस्टीरियस होंगे और आपको लोग बहुत जल्दी से समझ नहीं पाएंगे। आपको कई बार लाइफ में दुर्घटनाओं का या बुरे वक्त का सामना भी करना पड़ सकता है और लाइफ आपकी काफी स्ट्रगल वाली रहेगी अगर लग्नेश अष्टम में अच्छी स्थिति में ना हो और शुभ ग्रहों का प्रभाव लग्नेश पर ना हो या अष्टम में शुभ ग्रह ना हो। अगर लग्नेश अष्टम भाव में बैठा है तो आपका संबंध है वो रिसर्च से हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र, इनसे हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लग्नेश की जो प्लेसमेंट है या जो प्रथम भाव के लॉर्ड की प्लेसमेंट है उसको देख सकते हैं। अगर आपका लग्नेश नाइन्थ हाउस में बैठा है तो आप काफी लकी होंगे, लेकिन यहाँ पर भी लग्नेश का अच्छा होना जरूरी है, बुरे ग्रहों से, पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो और अच्छी डिग्री का हो, अच्छे नक्षत्र में हो, तो जातक शुरू से ही अपनी लाइफ में शुरुआत से ही भाग्यशाली होगा और उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देगा। इसके अलावा अगर आपका लग्नेश कहीं ना कहीं अगर आपका नाइन्थ हाउस में बैठा है तो नाइन्थ हाउस में बैठने से देखिए आप अपनी जो हायर एजुकेशन है उसके प्रति भी काफी ज्यादा झुके हुए रहेंगे, उसके प्रति आप काफी ज्यादा सीरियस रहेंगे और लंबी दूरी की यात्राएं करने में, धार्मिक कार्य करने में आपको जो है काफी खुशी होगी और आप अपना जो धार्मिक ज्ञान है वो हमेशा बढ़ाते ही रहेंगे और उसको लोगों के साथ आप शेयर भी करेंगे। अब मान लीजिए आपका लग्नेश बैठा है टेंथ हाउस में, तो लग्नेश जब टेंथ हाउस में बैठा या प्रथम का लॉर्ड जब टेंथ में बैठा अगर वहां पर स्थिति अच्छी है लग्नेश की तो आपको बहुत नेम फेम मिलेगी और आप अपने जॉब के माध्यम से जो भी काम आप करेंगे उसमें आप काफी फेमस होंगे, ऐसी कंडीशन दिखाता है लग्नेश का टेंथ में जाना। अगर लग्नेश आपका इलेवंथ हाउस में बैठा हो तो आपका लाइफ फोकस, आपकी पूरी लाइफ का फोकस धन कमाने, लाभ कमाने पर रहेगा और कहीं ना कहीं आप उसको निश्चित रूप से अचीव भी करेंगे अगर आपका लग्नेश इलेवंथ हाउस में अगर पीड़ित स्थिति में नहीं है, अच्छा बैठा है तो। इसके अलावा अगर आपका लग्नेश इलेवंथ हाउस में बैठा है तो आपका फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा होगा, आपको चाहने वाले लोग बहुत होंगे, आपको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत ज्यादा संख्या में होंगे और आपको सुनने वाले, आपको जो है पब्लिक अच्छी इमेज देगी, अच्छी पब्लिक इमेज वाले आप होंगे। इसके अलावा अगर लग्नेश आपका बारहवें भाव में बैठा है तो हो सकता है कि आपका संबंध फॉरेन से हो सकता है, आप फॉरेन जा सकते हैं या फिर आपको कोई बहुत सीरियस हेल्थ इश्यू हो सकता है, कुछ ना कुछ हेल्थ को लेके प्रॉब्लम रह सकती है लाइफ में या आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना लाइफ में करना पड़ सकता है। इसके साथ ही देखिए लग्नेश अगर 12 में है तो कई बार जातक को दैवीय शक्तियों का एहसास भी होता है। अगर लग्नेश 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक को खर्चा बहुत होता है, कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है और कोई भी काम है वो इतना जल्दी से जातक का बनता नहीं है क्योंकि वो किसी भी काम को करने के लिए रिस्क नहीं लेता। तो लग्नेश का 12 में जाना एक तरह से ये दिखाता है कि आप फॉरेन से भी संबंधित कहीं ना कहीं रहेंगे, फॉरेन से रिलेटेड भी कोई काम रहेगा।
तो ये हमने बात की आपका फर्स्ट हाउस और आपका जो लग्नेश है, लग्न विभिन्न भाव में जो लग्नेश की प्लेसमेंट है वो उसका रिजल्ट आपको किस प्रकार से मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे लग्न की, प्रथम भाव की। प्रथम भाव हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रथम भाव पर किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव ना हो तो ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और आपकी जो 40% जो समस्याएं हैं लाइफ की वो यहीं समाप्त हो जाएंगी। अगर आपका लग्नेश या आपका लग्न मजबूत है तो आप किसी भी परिस्थिति का मुकाबला बहुत डटकर कर लेंगे और आपके पास सब कुछ वो होगा जो आप चाहेंगे। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।